कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसी बीच ब्रिटेन ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल रेगुलेटर्स ने कहा है कि जिन लोगों को पहले से एलर्जी की शिकायत है उन्हें फाइजर बायोटेक की वैक्सीन का टीका नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं तादाद में टीकाकरण शुरू होने के पहले ही दिन दो लोगों ने एलर्जी रिएक्शन की शिकायत की थी। इंग्लैंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीय चिकित्सा निदेशक प्रोफेसर स्टीफन पॉविस ने कहा कि नए टीके के साथ एलर्जी आम बात है। MHRA ने कहा है कि एहतियात के तौर पर उन लोगों को टीकाकरण कराने से मना किया गया है जिन्हें पहले से एलर्जी की शिकायत है। उन्होंने कहा कि जिन दो लोगों ने एलर्जी की शिकायत की थी वो बेहतर तरीके से ठीक हो रहे हैं। 90 वर्षीय मार्गरेट कीनन पूरे विश्व में टीके का पहला डोज लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोरला का कहना है कि लोगों को वैक्सीन के बारे में विश्वास होना चाहिए कि ये सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने का फैसला सिर्फ आपके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये दूसरों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच रूस के अधिकारियों ने वैक्सीन से जुड़ी एक चेतावनी जारी की। ये चेतावनी शराब के शौकीनों को निराश करने वाली। दरअसल रूस ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है कि वैक्सीन लगने के बाद करीब 2 महीने तक शराब पीने से बचें। ये खबर रूस के लोगों को और भी ज्यादा निराश करने वाली है, क्योंकि रूस शराब की खपत के मामले में अग्रणी देशों में है। एक डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया का 14% शराब रूस में पिया जाता है। बहरहाल इसे लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।